केंद्र की सरकार ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ एक बद्दा मजाक किया। उनके नेता ये कहते रहे कि यहाँ के नौजवानों के जॉब्स को सुरक्षित रखा जाएगा और यहाँ बाहर वाले लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो डोमिसाइल लॉ बना है उसमें सिर्फ क्लास फोर्थ के जॉब्स ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और बाकी के जॉब्स पूरे हिंदुस्तान के लिए खोल दिए गए। यानी पूरे हिंदुस्तान से किसी भी स्टेट से कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान आकर जम्मू कश्मीर में सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ के जॉब्स हासिल कर सकता है। ये यहाँ के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। आपके केंद्र के मंत्री, रियासत के बड़े बड़े नेता आपके बार बार ये यकीन दहानी दिलाते रहे यहाँ के नौजवानों को कि आपका जॉब जो है यहाँ सुरक्षित रहेगा, रिजर्व रहेगा। लेकिन आपने सिर्फ क्लास फोर्थ के जॉब्स को यहाँ के नौजवानों के लिए सुरक्षित किया है। यानी यहाँ के नौजवानों को आपने ये कह दिया है कि आपका काम सिर्फ चाय पिलाना है और ऑफिसर बाहर से आएंगे। ये सरासर बेइंसाफी है। पैंथर्स पार्टी आपके इस रवैये की यहाँ कड़ी मजम्मत करती है। वही ये कहना चाहती है कि इस कानून को फोन से पेशकर रिवोक किया जाए। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना खड़ी होगी उन बेरोजगार नौजवानों के साथ, उन यूथ के साथ जो हाईली क्वालिफाइड है और जिनके अधिकारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज डाका डाला है। आपको जवाब देना होगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और आने वाले वक्त में इसका खुमाइजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना खड़ी होगी इन नौजवानों के साथ, इन अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, ताकि उनको अपना हक मिल सके, उनका अधिकार मिल सके।